लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बच्चे, रुपये छाप छाप कर देने वाले टकसाल है ये। सब साले हरामी के पिल्ले जी रहे हैं मुझे पालने के लिए। निकालो आज दिन भर की कमाई। 19 रुपये 40 पैसे। शाबाश। 18 रुपये 20 पैसे। बहुत अच्छे। 10 रुपये 30 पैसे। 11 रुपये। रामजादे, 11 रुपये लेकर वापिस आता है? कितने घंटे भीख मांगी? चोर के बच्चे, आइंदा कभी इतने कम पैसे लेकर आए ना तो खा लो तेर दूंगा कमीने। चला गया। 3 रुपये। 3 रुपये? उस्ताद, इस पर तो किसी को दया ही नहीं आती। ये तो लगता है किसी अमीर के हराम का पिल्ला है। अच्छा, अपाहिज बन जाएगा तो जिंदगी भर मेरी सेवा करता रहेगा। शिवा,
एक्सक्यूज मी, हरामजादे तेरे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाने से सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, एक पुलिस आ सकती है और दूसरी मौत। लेकिन पुलिस बहुत दूर है और मौत तेरे बहुत करीब। कल सुबह तक डाबरिया साहब के पैसे लौटा देना, वरना मैं कल फिर आऊंगा और तब सिर्फ खून निकाल कर नहीं कफन पहना कर जाऊंगा, समझे? गाड़ी में बैठो, चलो। अरे कौन है तुम लोग? अरे क्यों बांध रहे मुझे? अरे हराम ज्यादा मुझे क्यों बांधा है? बोलो बोलो। कौन बोलते क्यों नहीं? कहो मौत डाबरिया साहब। तुम जौनपुरिया के भतीजे हो हम जानते हैं, ये माल रंगून से लेकर आए हो हम जानते हैं, किससे लेकर आए हो वो भी जानते हैं, लेकिन उस आदमी का नाम हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। किसका नाम? वही जो ये माल तुम्हारे हाथों जौनपुरिया को बेचने की हिम्मत रखता है। मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। कोई बात नहीं, जान पहचान हम करवा देंगे। चोट की चीखों से, दर्द के जख्मों से, और ये चोटें और चीखें मिलकर हमें सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। कुछ याद आया? नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बताता हूँ, बताता हूँ। जागीरा, जागीरा।
सोने के घर हो। हम तुम्हारी हड्डियों और बोटियों की शक्ल में जौनपुरिया को उसके होने वाले अंजाम की तस्वीर भेज रहे हैं। मगर मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूं। तुम मैसेंजर थे, अब मैसेज बनोगे। हमारे और जौनपुरिया के बीच होने वाली खूनी जंग का ऐलान जंग। ले जाओ, ले जाओ जौनपुरिया के पास हमारा एक तोहफा। शंकर चौधरी के पैसे कल तक मिल जाएंगे। और डेविड के बार का क्या हुआ? जौनपुरिया के आदमी उस बार से तो क्या, उस इलाके से भी नहीं गुजरेंगे। वेरी गुड, तुमने उसकी ताकत को मार के भगा दिया और मैंने उसका खून चूस लिया। मतलब शरीर खत्म, आत्मा शांत। फिर भी होशियार रहना सनी, ये साला जौनपुरिया हमारे लिए कैंसर की बीमारी से कम नहीं। आप घबराइए मत डबरिया साहब, मैं मर्ज भी जला दूंगा और मरीज भी। ना उसे कैंसर रहेगा और ना हमें दर्द। तुम सब जिसम नहीं हाथ हो हमरे, इस शहर में हमरी ताकत का राज चलाने वाले हमरे लोहे के बने हाथ हो तुम। जौन हमरी सामने दुश्मनी का तलवार उठाता है, हम उसे गोलियों के हार का कफन पहना देते हैं। और जब हम रोशनी में आए हैं तो हमरा दुश्मन शमशान का अंधेरों में डूब गए हैं। तुम सब हमरे हिम्मत, हमरी ताकत और हमरे जोश का एक तूफानी समंदर हो। ऊटा भरिया ने हमरे धंधे को नहीं, अपने आप को छेड़ा है। जाओ और जाकर दिखा दो ऊटा भरिया को कि जो हमसे दुश्मनी लेते हैं या हमरे गाल पर थप्पड़ मारते हैं, हम उके ईट का जवाब पत्थर से देते हैं। एक छोटा सा नमूना दिखाई दो ससुरे को, ऐसा नमूना दिखाई और दुश्मन का कि अगली बार हमरे बारे में सोचने से पहले वो अपनी खोपड़ियां तोड़ ले। साला जाओ। Thank you.
संगीता आ भाई आओ, लगता है तुम्हें देखे जमाना हो गया। अंकल आज तारीख कितनी है? तारीख 26। और दिन कौन सा है? फ्राइडे। और अभी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 4। तो फिर आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी संगीता बेटी हर महीने के आखिरी शुक्रवार और शनिवार को इस जेल में मेरे कैदियों से मिलने आती है। जी हाँ, लेकिन सिर्फ कैदियों से नहीं, आपसे भी। और मेरे दोस्त लोग कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास है। अंकल ये नया मेहमान कौन है? संगीता, मैंने तुम्हें इस जेल के हर मुजरिम से मिलने की इजाजत दी है। कानून की हद में जहां तक मुनासिब है मैंने तुम्हें उनको करीब से जानने का मौका दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे। उस मुजरिम से दोस्ती करने या उसकी मेहमान नवाजी करने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि इस जेल का हर कैदी मुजरिम है, साथ साथ इंसान भी, लेकिन वो इंसान नहीं, हैवान है। और मैं हैवान को इंसान बनाने वाली डॉक्टर हूँ, यानी दिमागी डॉक्टर। और मैं नहीं मानती कि कोई भी आदमी इतना बुरा हो सकता है जिसे सुधारा ना जा सके। और अंकल, माँ की कोख से कोई मुजरिम बनकर पैदा नहीं होता, कोई हालात होते हैं, कोई जरूरत होती है जो उसे अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। मैं उससे जरूर मिलूंगी अंकल, और आप मुझे रोकेंगे नहीं, प्लीज। सूरज भाई, अपुन का भाई तेरे बार में एकदम फिट है ना? अरे दुनिया को पिलाता है, खुद भी पीता है, ऐश करता है साला। ऐश तो अपुन भी करता है, यहाँ फर्क इतना है कि होटल में करता है, अपुन जेल के अंदर। वहाँ उसको खाने पीने की कोई फिक्र नहीं, अपुन को यहाँ कोई फिक्र ही नहीं है। अरे जॉनी, तुम दोनों की शक्ल जरूर मिलती है, शक्ल लेकिन मिलती है, बाकी आदत पूरा उल्टा। क्या अब वो क्या है कि बाप एक है ना, माँ बहुत है हम लोगों की। अब वो मेहनत की खाता है, अपुन आराम की। वो दिन भर मेहनत करता है, अपुन तो खाली 2 मिनट। वो बोतल से दारू निकाल के गिलास में डालता है, उन दूसरे का पाकिट निकाल के इधर डालता है। उसको मारने वाला कोई नहीं और अपने को साला बचाने वाला कोई नहीं। ओ अमर भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो भाई? खुशखबरी सुनो, तुम्हारा केस
मशहूर वकील कोठारी लड़ने वाले हैं। लेकिन वकील कोठारी जी तो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत पैसे लेते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। वो तुम्हारा केस मुफ्त में लड़ने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि तुम बेगुनाह हो। अमर भाई, इस दुनिया में नेक और अच्छे लोगों की कमी नहीं है, हालांकि कभी कभी लगता जरूर है। संगीता बहन, मेरे अपनों ने भी मेरा साथ कभी नहीं दिया, लेकिन तुम गैर होते हुए भी। अमर भाई, बहन बोलकर मुझे गैर मत कहो। मेरा नाम संगीता है, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। मनोविज्ञान की रिसर्च के सिलसिले में तुम लोगों के बीच सरकार से परमिशन लेके आती हूँ, क्या ये सच है? तुम इस तरह खामोश पत्थर की मूरत बनकर बैठे रहोगे तो तुम्हारे बारे में जानूंगी कैसे, और जब तक जानूंगी नहीं तुम्हें सुधारूंगी कैसे? मैम साहब, आपकी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी है और आपकी आवाज भी बड़ी मीठी है। आप अपने माँ बाप से क्यों नहीं कहती कि आपकी शादी जल्द से जल्द करवा दें? लगता है मर्दों के करीब रहने का बहुत शौक है आपको। तुम इतना कड़वा क्यों बोलते हो? अभी अभी तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा वो तुमने नहीं, तुम्हारे अंदर समाज ने जो बुरा आदमी पैदा कर दिया है वो कह रहा था। मैं तुम्हारी हालात को अच्छी तरह समझती हूँ। जरूर किसी मजबूरी ने तुमसे जिंदगी का पहला जुर्म कराया होगा, पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा। ओ मेम साहब, मैंने कितने जुर्म किए और मैं कितने जुर्म करूंगा इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप चले जाइए यहाँ से। मिस्टर सूरज, अकेले शतरंज की बाजी खेलने वाला हमेशा अपनी चालों में उलझा रहता है, हार जीत का फैसला कभी नहीं कर पाता। आज हमारी शादी के 22वें सालगिरह पर जब मैं तुम दोनों को देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, अपनी जिंदगी को देखता हूँ, तो ऊपर वाले का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे सब कुछ दिया। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि योगेश एक बहुत बड़ा वकील बने और मेरी प्रैक्टिस में मेरी मदद करे। क्या बात है। और जानती हो, दफ्तर के बाहर लिखा होगा कोठारी एंड कोठारी। क्यों बेटा? जी रानी, इसका मतलब हमें रोज सुबह सुबह दो काले कोट देखने पड़ेंगे। कोट भले ही काले हो मैडम, मगर उसमें नोट हरे हरे होंगे। मैं एक दोस्त से मिलके अभी आ रहा हूं। जल्दी आना बेटे। आप और लेडीज बाथरूम में? मैं तुमसे मिलने के लिए आग में भी कूद सकता हूं। बच्चे, इतनी कम उम्र में इतने खतरनाक खेल कूद नहीं किया करते। सुनो, मैं बच्चा नहीं हूं,
मेरी उम्र 20 साल है। यहाँ आने का मतलब? मैंने तुम्हें बाहर देखा था। ओ, बाहर, बाहर का देखा और अब अंदर आकर मगर यहाँ इससे ज्यादा दिखाना मुश्किल है। तुम जब कहो, जहां कहो, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। बोलो ना, कब, कहां, कैसे मिल सकती हो? आज से 7 दिन बाद इसी वक्त इसी जगह, और फिर यहां से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कहां? स्वर्ग तक। We'll be right back.
सूरज सुनो, तुम्हारी पिछली जिंदगी पड़ रही थी, वाकई बला का दर्द और दुख छुपा है। पांच साल की उम्र में तुम्हारे माँ बाप गुजर गए, अपनी परवरिश करने के लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी, भूख मिटाने के लिए रोटी और तन ढापने के लिए कपड़ा। सात साल की उम्र में तुमने लोगों के पॉकेट मारकर भागना शुरू किया और दस साल की उम्र में तुम्हें बच्चों के जेल भेज दिया गया। वहां से रिहा होने के बाद एक मशहूर मुजरिम डाबरिया ने तुम्हें अपने शरण में ले लिया और फिर पाप की छांव में एक और तपता सूरज उगने लगा। तब से लेके आज तक तुम 32 बार गिरफ्तार हो चुके हो, लेकिन सजा सिर्फ 3 बार हुई। इन सब बातों से यह पता चलता है कि तुम ताकतवर, दिलेर और जांबाजी नहीं बल्कि खतरनाक कसम के अकलमंद इंसान भी हो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिर्फ बदबू आती है। एक बात कहूं सूरज, अगर तुम अपनी ताकत, चालाकी और अकलमंदी को सच्चाई के रास्ते पर इस्तेमाल करते तो इससे सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सबको फायदा होता और आज सारी कौम शायद तुम्हारी तारीफों के गुण गाती, तुम्हें अपना लीडर मानती। लीडर? लीडर तो मैं उस बच्चों की जेल का भी था, बड़ों की जेल का भी रहा और अब अपनी दुनिया में जाऊंगा तो वहां भी लीडर कहलाऊंगा। आज मेरी बातें तुम्हारे समझ से बाहर हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरा कहा हुआ एक एक शब्द का मतलब तुम अच्छी तरह समझ जाओगे और उस दिन तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा की आवाज चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें धुतकारेगी। और एक वक्त आएगा जब यह जिंदगी का बोझ हजार पहाड़ों से भी ज्यादा भारी हो जाएगा और फिर सूरज मैं तुम्हारे प्रायश्चित के उस दिन का इंतजार करूंगी। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं मेम साहब, अपने हाथ से कागज पर आग लिखना बहुत आसान होता है लेकिन वही जलता हुआ कागज अपने हाथ में लेना बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन दुनिया की हकीकत का जहर आपके दिल और दिमाग पर असर करेगा उस दिन मेम साहब, उस दिन आप अपने सवालों का जवाब खुद देंगी और उस दिन मैं आकर आपसे सवाल करूंगा कि सही मैं था या आप। के मारना होता ना तो शमशान में लकड़ियां कभी के जल गई होती। अरे हम तुम पे वार करने नहीं, हाथ मिलाने आए हैं। मौत जब जिंदगी से हाथ मिलाती है तो मर जाती है जौनपुरिया। सूरज तुम बहुत समझदार हो, शक्तिशाली हो, खतरनाक हो। हम तोहके अपनी दुनिया में एक नई कुर्सी देना चाहते हैं, एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। हम तोहके उस ससुरे डाबरिया से दुगना पैसा देंगे। हाँ लालची तो कुत्ता होता है जौनपुरिया, हड्डी का भी बोटी का भी। सूरज जिस कुर्सी की हम बात कर रहे हैं उनकी ऊंचाई का तुझे अंदाजा नहीं है भैया। डाबरिया की मौत के बाद जिस कुर्सी पर मैं बैठने वाला हूं उस कुर्सी की ऊंचाई से तो कम ही होगी। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो जौनपुरिया, जिस दिन मैं उस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा उस दिन अपने आप को मुझसे बचाने के रास्ते बनाना। Thank you.
हैंडसम, कैसे हो? बरसों से प्यासा हूँ, गला सूखा हुआ और दिल जला हुआ। गला यहाँ भिगो लो, दिल पर मरहम रात को लगा दूंगी। ओके। कौन था वो? लोग मुझ पे मरते हैं, मैं उस पे मरती हूँ। मेरा पुराना आशिक है। जौनपुरिया के आदमियों ने हमारे घर में घुस के हमें मारा और हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अपने क्लब के टूटे हुए एक एक सामान का बदला मैं जौनपुरिया के आदमियों की एक एक हड्डी तोड़ कर लूंगा। बेइज्जती और हार के लगे जख्मों को मैं भी जौनपुरिया के खून से धोना चाहता हूं सनी, लेकिन अपनी दुनिया के ठेकेदारों ने मुझसे वचन लिया है कि मैं जौनपुरिया के साए पर भी हथियार नहीं उठाऊंगा। वचन आपने दिया है, मैंने नहीं। हमला सूरत पे हुआ था और आपकी उस मीटिंग में मेरे हिसाब किताब का कोई सौदा नहीं हुआ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जेल से निकलने के बाद मैं आपसे मिला ही नहीं? फैंटास्टिक, लेकिन एक शर्त पर, पुलिस के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आप फिक्र मत कीजिए डबरिया साहब, जौनपुरिया के आदमियों की चीखें पुलिस के कानों तक नहीं पहुंचेंगी। We'll be right back.
देखा रामू, मैंने कहा था ना उस्ताद आएंगे जरूर। हमसे हारने का शौक जो रखते हैं। अब्दुल, आज मैं हारने नहीं, हारा हुआ सारा माल जीतने आया हूँ। अरे सूरज बादशाह, सूरज भी कभी पश्चिम से निकला है क्या? लगता है ये सूरज कभी पश्चिम से नहीं निकलेगा। सूरज निकलेगा तो पूरब से और डूबेगा पश्चिम में। सलाम सलाम सेठ। सलाम। वो क्या उस्ताद, ताश में जीतने के लिए जिगर चाहिए जिगर। आप बहुत डर लगे खेलते। बच्चे, मेरा जिगर फौलाद का है और कलेजा पत्थर का, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल तेरे प्यार का प्यासा है। इसलिए प्यास बुझाने चला आता हूँ और कीमत चुका जाता हूँ। लो भाई। अरे संगीता, यहाँ इस वक्त? अंकल, शुक्रिया अदा करने वालों का ना ही तो कोई आने का वक्त होता है और ना ही जाने का। शुक्रिया किस बात का? अमर भाई का केस मुफ्त में लड़ने का। ये आज जेल से रिहा होकर आए हैं। मेरे बच्चे, आपको बहुत दुआ देंगे सरकार। इस गरीब के तरफ से ये मिठाई कबूल कीजिए। ओफो, अगर मिठाई खिलाना है तो संगीता को खिलाओ, जिसने तुम्हारे केस के बारे में मुझे बताया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। महान लोगों की यही तो निशानी होती है, अपनी तारीफ सुनना कभी पसंद नहीं करते। लीजिए खाइए। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ। चलो भैया। जी संगीता। जी। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बैठो बेटा। बोलिए अंकल। संगीता, क्या जिंदगी भर तुम दूसरों की जिंदगी के बारे में ही सोचती रहोगी? मैं समझी नहीं। खैर, घर में तुम अपनी मौसी के साथ रहती हो ना? माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही तो मेरे सब कुछ है। तो फिर मुझे तुम्हारी मौसी से मिलना पड़ेगा। क्यों? कुछ बातें बड़ों से ही की जाती हैं। मैं यहां बैठ सकता हूं? जरूर, लेकिन ये नो लिमिट टेबल है, शायद तुम्हें जमेगा नहीं। ये 20,000 रुपए के काउंटर है। जानता हूं, लेकिन ये नो लिमिट टेबल है। मिस्टर, जुए के टेबल पर किस्मत बदलते टाइम नहीं लगता। ट्रेल कलर सीक्वेंस, सीक्वेंस कलर पेयर, 5,000 का बोर्ड, 5,000 ब्लाइंड, 10,000 की मेरी ब्लाइंड, 10,000 की मेरी भी ब्लाइंड, मेरी 10 का ब्लाइंड, मेरी एक 20,000 की चाम। जब कोई कश्ती समुंदर में उतारना ही चाहे तो बेचारा तूफान क्या करे। ठीक है, हाँ ठीक है, भेज देता हूँ। ओके, हाँ ओके ओके। सनी शहर में कुछ नए व्यापारी आए हैं, उनके पास 10 किलो कोकीन है, लेकिन उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है।
अब अगर तो ये असली व्यापारी हैं तो इनसे एक एक चुटकी कोकेन खरीद लो। मैं नहीं चाहता कि जौनपुरिया के पास कोकेन का एक ग्राम भी जाए। और अगर ये नकली हैं तो इन्हें जिंदा दफना दो। डबरिया साहब, ऐसे अजनबी लोगों के पास सूरज का अकेले जाना ठीक नहीं होगा। माइकल, शेर को शिकार करना मत सिखाओ। गोसानी, नहीं हेलेना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता हूं। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें देखते रहना चाहता हूं। तुम्हारे अंग अंग से लिपटकर हमेशा के लिए तुम्हें समा जाना चाहता हूं। मुझे प्लीज ऊपर के कमरे में ले चलो। मेरे कॉले कॉले नादान आशिक, मेरी नशीली जवानी का वक्त बड़ा ही कीमती है। मगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता हूं हेलेना। तुम्हारे एक एक लम्हे को अपनी जिंदगी का साथी बनाकर तुम्हारे रोम रोम का मजा चखना चाहता हूं। मेरे रोम रोम का वजन जितना भारी है, तेरी जेब उतनी ही हल्की है। हेलेना, मैं तुम्हारी जिंदगी नोटों से सजा दूंगा। इतने नोट बिखेरूंगा कि उन नोटों के बादलों में तुम्हारा वो सूरज हमेशा हमेशा के लिए छिप जाएगा और तुम्हें चारों तरफ सिर्फ योगेश योगेश नजर आएगा। मैं बहुत सारा पैसा लाऊंगा हेलेना। मैं इशारा करूंगा तब पैसे लेकर ऊपर आना, और अगर मैं 10 मिनट में नहीं आया तो समझ लो इसका मतलब खतरा है। ओके बॉस। रुपए कहां है, बाकी माल कहां है? हम तो सिर्फ कोकेन की खुशबू सुंघाकर ही लाखों रुपए लूटने वाले लुटेरे हैं। चल बता फटाफट छाने, बाकी के रुपए कहां है? सूरज को लूटने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, समझा? मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। तुम्हारा साथी तो इस दुनिया में नहीं रहा, क्या तुम भी परलोक जाना चाहोगे? घबराइए मत, ये पुलिस स्टेशन नहीं, मेरा घर है। मेम साहब, आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों? तुम्हें मरने से बचाना एक डॉक्टर का फर्ज था, लेकिन तुम्हें पुलिस से इसलिए बचाया ताकि तुम मेरे एहसान के तले दब जाओ। तो आप उस एहसान की कीमत चाहती हैं? हम्म।
मेम साहब, अब इस सर पे सिर्फ मौत का कर्ज बाकी है, किसी जिंदगी का नहीं। और आपके इस एहसान की कीमत मैं जरूर चुकाऊंगा। जब भी आप कभी मुश्किल में हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। सूरज खून के बदले खून बहा देगा और जान के बदले जान लुटा देगा। कोकीन और रुपए दोनों? उन्होंने मुझसे गद्दारी की, मैं रुपए ले आया। उन्होंने शिवा को मार डाला और मैंने कोकेन छीन ली। अब तुम क्या चाहते हो? शिवा की लाश जो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है, मैं उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना चाहता हूं। मिल जाएगी तुम्हें उसकी लाश।
वो बदनसीब बाप हो जिसे अपने बेटे के रिश्ते के लिए भी भीख मांगना पड़ रहा है। हमारी बहू नाम की बेटी बनना स्वीकार कर लो बेटी, मेरे योगेश को सही राह पर ले आओ, तुम ही उसे सुधार सकती हो। एक माँ अपने बेटे के रिश्ते की भीख मांग रही है, इस शादी से इनकार मत करना बेटी, इस शादी से इनकार मत करना। संगीता बेटी, इस डूबती हुई कश्ती को तुम ही बचा सकती हो। हम पर यह एहसान कर दो बेटी, मेरे योगेश से शादी के लिए हाँ कह दो, उसे गुमराह के रास्तों से सिर्फ तुम ही वापस ला सकती हो। बेटी ये कोई जबरदस्ती नहीं है, विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एडवोकेट कोठारी की भी और एक मजबूर और लाचार बाप की भी। आप लोग 2 मिनट जरा बाहर जाएंगे? जी हाँ जरूर। बात क्या है सूरज? कुछ नहीं मैम साहब, कला निकेतन से गुजर रहा था, आपका ख्याल आया, आपके लिए साड़ी खरीद ली, सोचा कि हाथों हाथ आपको देता जाऊं। और मैम साहब ये डिस्पेंसरी आपके लायक नहीं है, इसकी डेकोरेशन करवा लीजिए, और मेरी तरफ से आपके मरीजों के लिए एक छोटा सा तोहफा। और हाँ, दोपहर का वक्त है, भूख तो आपको भी लग रही होगी, चलिए किसी 5-स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं। अपनी पाप की कमाई पर इतना घमंड है तुम्हें? ये साड़ी, ये कागज के बेजान टुकड़े, क्या साबित करना चाहते हो कि दान धर्म पुण्य के देवता हो? सूरज, अच्छाई ना किसी कला निकेतन में बिकती है और ना ही दुनिया के किसी भी सिक्के से खरीदी जा सकती है। तुम्हारी जेब अभी तक इतनी दौलतमंद नहीं हुई है सूरज कि एक शरीफ घराने की लड़की को रोटी का एक टुकड़ा भी खिला सके या उसके सर पर इज्जत का एक दुपट्टा भी पहना सके। हाँ, जिस दिन तुम अपनी ईमानदारी की कमाई से मुझे एक सूती साड़ी लाकर दोगे ना, उस दिन सूरज मैं वो साड़ी भी पहनूंगी और तुम्हारे साथ खाना खाने भी चलूंगी। मैम साहब, क्या आप इतना भी नहीं जानती कि पैसों का कोई रंग नहीं होता? तोहफा ईमानदारी की कमाई का हो या बेईमानी का, तोहफा श्रद्धा से दिया जाता है। अच्छा किया मैम साहब, ईमानदारी का आईना देखने से पहले ही उसे तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आसमान का चांद मेरे आंगन में उतर आया है। जरा मैं भी तो देखूं। Thank you.
क्यों होश उड़ गए ना मिस्टर सूरज? अगला पिछला सब वसूल करके जाऊंगा मैं आज। इतने पैसे तुम्हें कहां से मिले? तुम फल खाओ, पेड़ मत गिनो। जब फल खत्म हो जाते हैं तो पेड़ की कीमत भी कुछ नहीं रहती। मेरी कीमत और मेरी किस्मत मुझ पे छोड़ दो। तुम पत्ते बांटो। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम यहां आकर क्या साबित करना चाहते हो, लेकिन मेरी मानो तो तुम मिस्टर सूरज, उस कुर्सी पे बैठने वाले का काम है पत्ते बांटना और तुम पत्ते बांटो। तरह से देख रहा हूं। क्यों, अब तक तुम्हारा जी नहीं भरा? जी भर गया। राख ठंडी भी नहीं हुई जिसके सामने तुमने अपना पूरा जीवन मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी। बहुत खूब निभाया अपना वचन तुमने, घर में कदम पड़ते ही मेरे विश्वास को लूट लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने। अब जूने के ढाव पर क्या लगाओगे? मेरा जिस्म नीलाम करोगे अपनी नूरी को? साहब, ये चिट्ठी इनकी जेब से बरामद हुई है। मामी, सुहागरात के दिन बीवी के गहने जुए में हार जाने के बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। योगेश, कहाँ जा रही हो बेटी? इस घर से दूर। लेकिन क्यों? मेरे इस घर में कदम पड़ते ही
आप लोगों का सुख चैन सब कुछ छिन गया, इसलिए मेरा यहां से चला जाना ही ठीक है। नहीं बेटी नहीं, योगेश की मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर तुम चली जाओगी तो हम लोग जिएंगे कैसे? बेटी हम यही सोचकर जी सकते हैं कि अगर भगवान ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया तो बदले में तुम्हें बेटी के रूप में दे दिया। हमें छोड़कर मत जाओ बेटी, हमें छोड़कर मत जाओ। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। देखो इस बार भी मैंने तुम्हें जमानत पर रिहा तो करवा दिया है, लेकिन अगली बार का मैं नहीं कह सकता। देखो गुंडा एक्ट बनाया इसलिए गया है कि इस हालात में आप मुझे गुंडा कह रहे हैं वकील साहब? सूरज। अरे मेम साहब आप, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? क्या हुआ मेम साहब? मैं हार गई सूरज, वक्त का एक ऐसा झोंका चला कि मेरी जिंदगी सफेद साड़ी में ही लिपट कर रह गई। तुम्हारी जिंदगी का फलसफा सही निकला सूरज। तुम कहते थे ना कि किताबी बातों में और जिंदगी की हकीकत में फर्क है, वाकई बहुत फर्क निकला। इससे पहले कि मैं उन किताबी बातों को हकीकत का रंग देती, जिंदगी ऐसी हकीकत बनकर मेरे सामने आ गई कि मेरी मांग का सिंदूर ही उजड़ गया। मेरे पति न जाने किस हैवान के जाल में फंस गए थे। सुहागरात पर मेरे बदन पे से सारे जेवरात उतार कर चले गए और सुबह उनकी लाश वापस आई। जिंदगी वाकई बहुत कड़वी निकली सूरज। मेम साहब, ना मैं आपकी मांग का सिंदूर लौटा सकता हूं ना ही मैं आपकी तकदीर बदल सकता हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करता हूं मेम साहब कि जिसने आपके सुहाग को मिटाया है मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। जिस कमीने ने आपको यह सफेद साड़ी पहनने पर मजबूर किया है मैं उसे सफेद कफन पहना दूंगा मेम साहब। यह सूरज का वादा रहा। सूरज बदला वो लेते हैं जिन्हें जीने का शौक। सूरज तुम इन्हें कैसे जानते हो? वकील साहब, इस दुनिया में हर इंसान अपने लिए जीता है, लेकिन ये वो औरत है जिसे मैंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीते हुए देखा है। जी कुठारी साहब हैं? जी हाँ।
सनी, हमें हमारी किस्मत ने सुनहरा मौका दिया है जौनपुरिया को मौत के घाट उतारने का। कल शिवरात्रि है, वो 11 बजे तबेले वाली बस्ती में पहुंचने वाला है। दुश्मनी के सुअर को कुत्ते की मौत मार दो। गो एंड किल हिम। माइकल, तुम साथ जाओ। सूरज का काम है उसे मौत के घाट उतारना और तुम्हारा काम है इसकी हिफाजत करना। याद है सूरज, मैंने तुमसे कहा था एक दिन तुम्हारे जमीर को चोट पहुंचेगी, तुम्हारी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी और उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि जो तुम करते हो वो गलत है। वो गलत है सूरज। सूरज, जेल की चार दीवारी के बीच जब तुम कैद थे तब मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत हो। तुम गलत हो सूरज, मैं सही हूँ। तुम गलत हो सूरज।
तोरे नाम की तेरे माला 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 ई छोरा गंगा तट वाला तोरे नाम की तेरे माला प्रेम की चौपाई हम गाए तुमने हम पर ससुरी एक गोली चलवाकर अपनी खोपड़ियां हमरे निशाने पर रख दी है।
जौनपुरिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जैसे नौसिखियों से बात करने का वक्त मेरे पास नहीं है। अब कोनो माफिया की मीटिंग हमारी गोलियों को ना ही रोक सकता है। अरे मर गए मुझे मरवाने वाले, और वो भी ऐसे कि पता ही ना चला हो कि वो कब जिए थे। देखो जौनपुरिया, तुम जैसे गली के कुत्तों को म्यूनसिपैलिटी वालों से मरवाना मुझे खूब आता है। डाबरिया भौंको मत, गला बैठ जाएगा, फिर मरने से पहले अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांग सकोगे। माइकल, ये सब हुआ कैसे? उसका निशाना चूक कैसे गया? डबरिया साहब, बंदूक उसके हाथों में ऐसे कांप रही थी जैसे पतझड़ में सूखा पत्ता। समझ में नहीं आता कि हमारी डाल का सबसे मजबूत हरा पत्ता पीला कैसे पड़ गया, और पीले पत्ते तो सूख कर टूट जाते हैं। उसे फोन लगाओ, हम उसकी आवाज के अंदाज से उसकी बात का अंदाजा लगा लेंगे। अरे सूरज, तुम यहां? हां मेम साहब, लेकिन मैं भगवान के दर्शन नहीं आपके दर्शन करने आया हूं। मेम साहब, मैं अपनी गलती सुधारने और आपकी गलतफहमी दूर करने आया हूं। कैसी गलतफहमी? मेम साहब, आपकी दुनिया में जो आंधी चली है उसने शायद आपके दिमाग पर यह लिख दिया कि मैं सही था, लेकिन मेम साहब उसी आंधी के एक थप्पड़ ने मुझे बता दिया कि गलत मैं था और सही आप थी। सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं समझी नहीं। इससे ज्यादा समझाने के लिए इस वक्त मेरे पास शब्द नहीं है मेम साहब, लेकिन मैं एक चीज जरूर समझ गया हूं कि भगवान ने ये दो हाथ इसलिए दिए हैं ताकि एक हाथ में सच्चाई को लेकर चलूं और दूसरे हाथ में ईमानदारी को। हाँ मेम साहब, मैं गलत था, आप सही थी। सूरज, अगर मेरी दुनिया में चलने वाली आंधी से तुम्हें रास्ता और मंजिल तक पहुंचाने वाली रोशनी मिल जाती है तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं था बल्कि तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए ही हुआ था। सब मैं जानती हूं सूरज, एक बेसहारा ही दूसरे बेसहारा का दर्द समझ सकता है। आप बेसहारा नहीं है मेरे साहब, आप बेसहारा नहीं है। अरे सूरज दिखा, अरे सूरज तुम वेलकम वेलकम, सबके लिए आरसी लाना लार्ज वाला। क्या बात है सूरज, तुम इस हफ्ता में दो मरतब आ गया? नहीं हमको कोई वांदा नहीं है, तुम एक हफ्ता में 60-12 के हफ्ता मांगेगा ना तो भी कोई वांदा नहीं, हम दे देगा। मुझे हफ्ता नहीं चाहिए सेठ, फिर आपके होटल में नौकरी चाहिए। हाँ क्या बात करते है तुम हमारा मस्करी तो नहीं करता है ना? मैं मस्करी नहीं कर रहा हूँ सेठ, मुझे आपके होटल में नौकरी चाहिए। देख बाबा, हमारे साथ तुम ऐसा बात नहीं करना, तेरे को क्या मांगता है बोल, तुम्हारे लिए अपना जान हाजिर है, ईमान हाजिर है, अरे बोल तो अपना गल्ला भी तुम्हारे लिए हाजिर है, तेरे को क्या मांगता है बोल। सुन मेरा बात सुन सूरज, इस दुनिया में है ना दो किस्म का लोग होता है, एक होता है जो नौकरी करता है और दूसरा जो होता है ना नौकरी करवाता है, या आम जनता होता है ना पब्लिक, ये लोग नौकरी करता है और तुम्हारा जैसा लोग नौकरी देता है। क्या? अरे लीडर लोग काम करवाता है, काम करता नहीं कभी, समझे ना? अरे लीडर लोग काम करेंगे तो कैसे चलेंगे बाबा।
मैडम, खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती। चांद में दाग होता है, लेकिन इस शैंडलियर में कोई दाग नहीं। ये 250 साल पुराना शैंडलियर है, न जाने इतने सालों में कितने आए कितने गए, लेकिन इसकी चमक अभी तक वैसी की वैसी है। वाकई बहुत खूबसूरत है। मैडम, जब आप एंटीक खरीदने निकली हैं, तो इसकी कीमत मत सोचिए। अगर आप पर्शियन टेबल लैंप लेना चाहें या हिंदुस्तानी टेबल लैंप लेना चाहें, तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा, और मुझे लगता है भाभी जी कि आपके बजट को भी सूट कर सकता है। अच्छा? अगर आप थोड़े कम बजट में लेना चाहें, तो हमारे पास दूसरे भी टेबल लैंप्स हैं। गुप्ता जी। आया साहब। जी इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारा नया सेल्समैन। भाई बहुत ही काबिल आदमी है, और इंस्पेक्टर साहब लेडीज कस्टमर तो बहुत फिदा है इसमें। सेल्समैन? सूरज एक नंबर का आवारा और तड़ीपार गुंडा है। नौकरी क्या, ये आपकी दुकान पर डाका डालने का प्लान बनाकर आया होगा क्या? आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सूरज, मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद इस इलाके में तुम्हारी शक्ल भी नजर आई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि ये नौकरी का नाटक तुम्हारी कौन सी नई चाल है, लेकिन मेरे इलाके से निकल जाओ। गेट आउट। सलाम साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। किधर आना? रमेश भाई, आप टैक्सी दिन में चलाते हैं ना? हाँ साहब, क्या है कि रात को लफड़ा बहुत होता है ना, इसलिए। अगर मैं आपकी टैक्सी रात में चलाऊं तो? आप टैक्सी? रमेश भाई, मैं कोई लफड़ा नहीं करूंगा। रात को आपकी टैक्सी चलाऊंगा और दिन में आपका हिस्सा दे दूंगा। लेकिन रमेश भाई, प्लीज रमेश भाई, मुझे आपकी टैक्सी चलाने दीजिए। सेठ, मैं बहुत छोटा आदमी हूं सेठ। इस टैक्सी के अलावा मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मेरा घर, मेरी रोजी रोटी सब इस गाड़ी से ही तो चलती है। मेरे सब पैसे ले लो सेठ, ये लो, मैं आपके पांव पड़ता हूं। क्या कर रहे हैं आप रमेश भाई? अरे बादशाह, बादशाह क्या बात है बादशाह? कुछ नहीं अब्दुल। कुछ तो है बादशाह, बता दो ना, बोलने से शायद मन हल्का हो जाएगा। बता दो ना बादशाह। अब्दुल, मैं अपनी दुनिया का बादशाह था। जिंदगी तो क्या, मौत से भी रोज लड़ा करता था, लेकिन शराफत और ईमानदारी की दुनिया में मैं दो कौड़ी का भी नहीं रहा। ये सूरज अपने लिए इज्जत की दो रोटी भी नहीं कमा सकता। तो मेरा हाथ थाम लो भाईजान, मैं वो रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। अब्दुल, तुम? भाईजान, हम देखने में छोटे हैं, लेकिन काम बड़े बड़े कर लेते हैं। आपके पैसों का खाया हुआ ना जाने कितना नमक खून भरकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। मेरा हाथ थामने से ना मत बोलना भाईजान। Yeah.
पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे था, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात, आसमां पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे था, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात, आसमां पे बैठी चांदनी। जिंदगी गुजार दो, तुम जमाने भर को प्यार दो, सबके जिंदगी गुजार दो, तुम जमाने भर को प्यार दो, भलाई तुम करो बुराई से डरो, भलाई तुम करो बुराई से डरो, मानो तुम मेरी बात, आसमां पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे साथ, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात, आसमां पे बैठी चांदनी। कम नहीं अकेले हम नहीं, खुशी भी कम नहीं, तुम जो हो मेरे साथ, आसमां पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे साथ, झूमे गाए हवा, बाह में सिमट गई है रात। अंदर आ।
खाना नहीं खिलाओगे? सूरज, अब तुम्हें इस नई दुनिया में अपनी नई जिंदगी कैसे लग रही है? मैम साहब, मेरी आने वाली जिंदगी का रास्ता ईमान और सच्चाई के सख्त पत्थरों से सजा हुआ है। यह रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, पर मुझे चलना है और मैं हमेशा चलता रहूंगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ना तो तुम्हारे कदमों को डगमगाने दूंगी और ना ही तुम्हें वापस जाने दूंगी। वैसे इस साड़ी का और तुम्हारी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात कर रही है मेम साहब, जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हो तो शुक्रिया अदा उसे ही करना चाहिए। सूरज, मिलते रहना, मुझे खुशी होगी। I am very sorry, मैंने खाना खा लिया है। कहाँ जा रहे हो सूरज? बहुत दूर। सूरज, जिस दुनिया में हम जीते हैं वहां की जमीन मिट्टी की नहीं दलदल की है, जहां से आदमी निकलता नहीं धसता ही चला जाता है। अगर इंसान को एहसास हो कि वो धसता ही जा रहा है और वहां से निकलने का सहारा मिल जाए तब। ये अचानक एहसास की रोशनी कहां से जली? योगेश की चिता से। क्या? हाँ अल्लाह, जिस रात योगेश मेरे साथ जुआ खेलने आया था उसकी सुहाग रात थी। वो अपनी बीवी के गहने बेचकर मुझे जुए में हराकर शायद तुम्हें अपनाने आया था, लेकिन मुझसे हारकर उसने खुदकुशी कर ली। उसकी बीवी सुहाग रात से पहले ही विधवा हो गई हेलना। मैंने एक साथ दो दो जिंदगियां उजाड़ी हैं हेलना। तो ये विधवा होने वाली उस सुहागन का असर है। उसकी टूटी हुई सुहाग की चूड़ियां तुम्हारे दिल में चुभ गईं। चलो हेलना, तुम भी मेरे साथ चलो, अपनी इस दुनिया को बदल डालो। चलो चलते हैं उस नई दुनिया की तरफ, जहां जिंदगियां सर उठाकर जीती हैं, जहां इज्जत, मेहनत और सच्चाई की रोटी मिलती है हेलना। नहीं सूरज, मुझे फक्र है तुम्हारी ताकत पर, मुझे विश्वास है तुम्हारी हिम्मत पर, लेकिन दुनिया के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक दिल में दो दो घर बसा सके, दोनों को बराबर का प्यार दे सके। मैं सब कुछ बांट सकती हूं, अपने प्यार को नहीं। Yeah!
बच गया साला। ई डबरिया तो रेगिस्तान की रेत में छिपने और डसने वाला जहरीला सांप बन गवा है। खतरनाक सांप नहीं, खतरनाक होत है ऊ का जहर, और डाबरिया के दांत का जहर है ऊ सूरज। खैर, डाबरिया को तो हम देख लेंगे। हमका डर है कि ई सूरज अंदर ही अंदर से हम सबका जलाने वाले लकड़ियां जमा तो ना ही कर रहा। बहुत खबरदार रहना है हमें ई सूरज नाम के हथियार से। हाँ, ई साला मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। डबरिया साहब, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है मैं जानता हूं, और मैं यहां सिर्फ आपको यह जवाब देने के लिए आया हूं कि हमारा रिश्ता टूट चुका है, हम अलग हो चुके हैं। सूरज, जिस्म से साया अलग हो सकता है, दिल से धड़कन अलग हो सकती है, लेकिन सूरज से डाबरिया और डाबरिया से सूरज मरकर भी अलग नहीं हो सकते। अपने सूरज को भूल जाइए डबरिया साहब। भूल जाऊं? भूल जाऊं उस बच्चे को जिसको सड़क से उठाकर मैंने अपनी गोद में खिलाया था? भूल जाऊं सूरज को जिसके अलावा डाबरिया के इस दुनिया में और कोई नहीं? भूल जाऊं? जज्बात के भंवर में मुझे मत उलझाइए डबरिया साहब। गुनाहों के समुद्र से बहुत मुश्किल से निकला हूं मैं इस सूरज को नहीं जानता। ये सूरज तो बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है। बहका हुआ तो मैं कल था, लेकिन योगेश की मौत के बाद मुझे संगीता का सहारा मिला और मैं संभल गया। कौन योगेश, कौन संगीता? मुझे अपनाने की नहीं, भूलने की कोशिश कीजिए। योगेश, जो एक रात जेवरात बेचने आया था, मतलब उसकी विधवा, जहर बनकर सूरज के सीने में उतर गई है, लेकिन मैं अपनी दुनिया के सूरज को किसी और के लिए डूबने नहीं दूंगा। मेरे साथ आपने मुझे बुलाया मेरे साथ? मारने के लिए तुम्हें यहां बुलाया था। जेल में तुम्हें कहा था ना कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। तुमने उसी वक्त तय कर लिया था कि मेरा घर भरने से पहले उसे उजाड़ दोगे। नहीं मेम साहब, नहीं, मैंने ऐसे तुमने इन्हें मार डाला अपने जुए के टेबल पर। इनसे जीने का हक छीन लिया तुमने। मेरे मां के सिंदूर की लाली मिटाई तुमने। नहीं मेम साहब, ये झूठ है। पहचानते जो शादी के रात मेरे पति ने मेरे जिस्म पर से उतारे थे तुम्हारे जुए के टेबल पर हारने के लिए। नहीं मेम साहब, नहीं, ये सरासर झूठ है। ये देवरा सबूत है तुम्हारे गुनहगार होने का। सूरज, तुम कल गुनहगार थे, आज गुनहगार हो, और मरते दम तक गुनाहों की गंदगी में डूबे रहोगे। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। हाँ मेम साहब, हाँ, नफरत करो मुझसे, इतनी नफरत जितनी दुनिया में किसी ने किसी से मोहब्बत ना की हो। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए मेम साहब, कि आपके दिल में जहर भरा किसने? जानना चाहते हो? तुम्हारा अपना डाबरिया।
चले जाओ यहाँ से। I say get out. अब्दुल बेटा। जी अम्मी जान। मैंने खाना बना लिया है, जरा बाजार से जाकर रोटी ले आओ। हम अभी लेकर आते हैं अम्मी जान। जाओ बेटा। क्या बात है सूरज बेटे? बाबा, आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर जिंदगी में पहली बार मुझे भगवान से डर लगने लगा है। जौनपुरिया साहब, वो तो कल रात से ही लापता है और अब उसका पता चलेगा भी नहीं।
इस सूरज की रोशनी में जल के मरा है वो। वाह, बहुत खूब। कहा मर्दर है तू, कहा लोहे का दिल है तोरा जो यहां गोलियां खाने खुद चला आया। मैं यहां तुम्हारी गोलियां खाने नहीं, तुम्हें डाबरिया का कोकेन खिलाने आया हूं। मतलब हमरे दाहिने हाथ को काटकर हमसे हाथ मिलाना चाहते हो? महेश ने मेरे बेकसूर अब्दुल की जान ली और बदले में मैंने उसे मार डाला। तो ये बताओ, यहां हमसे हाथ मिलाकर डावरिया से कौन सा बदला लेने आए हो? तुम सिर्फ इतना समझो कि खून वही बहाते हैं जो खून के घूंट पिए होते हैं। तुम्हें डावरिया का कोकेन चाहिए और मुझे उसकी बर्बादी। लेकिन एक शर्त है जौनपुरिया, डावरिया का कोकेन छीनने मैं अकेला जाऊंगा। मगर हम तो पे इतना विश्वास करें तो क्यों करें? क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। कोकेन कब और कहां उतरेगा ये सिर्फ सूरज जानता है। तो ठीक है सूरज, हमरे दुश्मन का खात्मा तुम ही करोगे। कोकीन हमारी और पैसा तुम्हारा, डावरिया की लाश आधी तुम्हारी और आधी हमारी। सूरज मेरा दाहिना हाथ था, जौनपुरिया ने मेरा हाथ काट कर मुझे अपाहिज कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ तुम बचे हो माइकल। होने वाले कोकेन के सौदे की जगह मेरे अलावा सिर्फ सूरज जानता है। इससे पहले कि वो अपनी तेज किरणों से हमें जलाकर राख कर दे, उसकी लाश को उसी के खून में डुबो दो। किल हिम, किल दैट बास्टर्ड, किल हिम। मैंने पहचाना नहीं आपको। अपना जमीर और शरीर बेचकर जीने वाली वो जिंदा लाश हूं मैं, जिसके जीने का सहारा कभी सूरज था। मेरा सूरज से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम्हारा कोई रिश्ता है उसके साथ तो मुझे जानने की ना ही तो कोई तमन्ना है और ना ही कोई ख्वाहिश। अनजान होकर जीना बेवकूफी है। मैंने अपने सूरज को खो दिया, अपनी चाहत की कुर्बानी दे दी सिर्फ इसलिए कि सूरज को तुम्हारे साथ एक नई दुनिया मिले, शराफत की एक नई जिंदगी। और तुम्हारे उसी सूरज ने मेरे मांग के सिंदूर को जला दिया, मुझे सुहागन से विधवा बना दिया। नहीं, सूरज पे इतना बड़ा दाग मत लगाओ। तुम्हारे पति की मौत का जिम्मेदार सूरज नहीं, तुम्हारे पति की गंदी नीयत थी, उसकी हवस थी। सूरज ने उसे हर पल हर वक्त समझाना चाहा, लेकिन वो मेरे शरीर को पाने की जोश में अंधा हो चुका था। जिस रात उसने तुम्हारे जेवर हमारे क्लब में आकर बेचे, न सूरज को इस बात का पता था न मुझे। अगर तुम्हारे पति ने आत्महत्या की है तो वो खुद कसूरवार है। अपनी मौत का जिम्मेदार खुद वो है, सूरज नहीं। लेकिन अगर सूरज को कुछ हो गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार मैं सिर्फ तुम्हें ठहराऊंगी। सूरज ने फिर से खतरनाक लोगों का दामन थाम लिया है। एक तरफ पुलिस की गोलियां और दूसरी तरफ डाबरिया के आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसको बर्बादी से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, सिर्फ तुम। Thank you.
वेलकम. हेलो, हाउ आर यू? आई एम ओके. आपको ठीक ठाक देखकर बहुत खुशी हुआ डाबरे साहब. वो सला जॉन पुरिया तो बोला था कि उस कुत्ते का नाम मत लो डिमेलो. मुझे तो बस इस सौदे का इंतजार था. जॉन पुरिया का अंतिम संस्कार समझो शुरू हो ही गया. इतने दिनों से हम लोग धंधा करते हैं डाबरे साहब, अभी तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं आया. डिमेलो, तुम आज यहां खुद क्यों आए हो? अपने आदमियों को भेज देते, मैं उन्हें रुपया दे देता. लेकिन खुद आने की क्या जरूरत थी? इस धंधे में विश्वास करने वाले को बेवकूफ कहते हैं. राइट. गोली पर तेरा नाम लिखा है डबरिया, लेकिन एक बार तूने मुझे बेटा कहा था, आज मैं उस रिश्ते की कीमत चुका रहा हूं. लाश रखवाने आए हो? नहीं जौनपुरिया, ये मौत का सामान है, इसीलिए मैं मौत के बिस्तर पे सजा कर लाया हूं. वाह रे छोरे वाह, तोरी जबान और वादा पत्थर की तरह अटल है. हां, क्योंकि सूरज वो मर्द है जो ना जबान से फिरता है ना वादे से. ठहरो, पहले संगीता को मेरे हवाले कर दो. ओ, तू तो हर खबर से खबरदार होके आया है रे. हाँ, मैं कोकेन उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक मुझे संगीता नहीं मिल जाती.
संगीता। तू हमारे सौदे को ना ही समझा रे। हमने सौदा 2 करोड़ की कोकीन का नहीं बल्कि डाबरिया की जिंदगी का किया था, तो तूने पूरा कर दिया। और एक सौदा हम पूरा करेंगे तोरे अंत का, क्योंकि तूने डाबरिया की कुर्सी खाली कर दी है सूरजवा, और वो कुर्सी पर सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, तुम या हम, और ऊपर वही बैठेगा जो होगा खतरनाक। अब बोल, खतरनाक तू या हम? तोरी जान के लिए 2 करोड़ की कोकीन का सौदा बहुत सस्ता है सूरज, बहुत सस्ता। ए रंजितवा, अभी हिरनी के मुंह से पट्टी निकाल दो, अपने यार की लाश पर जी भर के रोने दो इसे। ए, एक सूरज मर गया तो क्या हुआ, हम जो हैं खतरनाक भी हम, तोरी सारी रातों के खरीदार भी हम। फेंक दो इसकी लाश समंदर में। अब बंबई शहर के राजा हम और ये हमरी रानी। मर्दों की लड़ाई में औरतों का सहारा लेने वाला ना औरत होता है ना मर्द। अब बोल, खतरनाक कौन है, तू या मैं? We'll be right back.
हूँ।